हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जो एफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। तो बच्चों, आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है पावर ऑफ टू, बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है। हाँ, गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, द टास्क इज टू चेक इफ एन इज अ पावर ऑफ टू। भाई, हमें बस चेक करना है कि कोई भी नंबर गिवन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 9, क्या ये किसी 2 की पावर है। 2 की पावर चेक करने के लिए क्या करेंगे यार, सिंपल 9 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, है ना। 9 को अगर 2 से डिवाइड करने के बाद 9 को, सॉरी फॉर द नॉइस यार, आज लैपटॉप से बना रहा हूँ तो थोड़ा आवाज का भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो यार सिंपल, 9 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जाम्पल 6 उठाते हैं, 6 को उठाया, 6 को क्या करा, 2 से डिवाइड करा, तो क्या बचेगा, 3। 3 का 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो ये भी हमारा, हमें क्या करना है, इसको जब तक ही डिवाइड हो सकता है तब तक डिवाइड करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल 8, 8 को 2 से डिवाइड करा, ठीक है। फिर क्या बचेगा, 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, अभी भी बचा 2, ठीक है। 2 2 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करने के प्रोसेस के बाद अगर हमारा ए 2 को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, 1। अगर हमारा 1 बचा तो हमारा क्या है भाई, ये पावर ऑफ 2 है। अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई भी नंबर बचा, जैसे कि मैंने बोला 6 को डिवाइड करो 2 से, बचेगा 3। अब 3 2 से डिवाइड नहीं होगा तो n क्या बचा मेरा, 3। 3 क्या है, 1 नहीं है, तो मतलब ये पावर ऑफ 2 नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, ये है कि एक्चुअल में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी log n है, बट ये टाइम TL ही दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई, व्हाइल n, ठीक है। जब तक हमारा क्या है, n mod 2, जब तक हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं तब तक मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, n इक्वल्स टू n बाय 2, ठीक है। और रिटर्न क्या कर दूंगा, n एन इक्वल्स इक्वल्स 1, ठीक है। ये एक्चुअल में आंसर नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे बिट मास्किंग से, ठीक है। अगर एन इक्वल्स इक्वल्स 1, मतलब अगर एन की वैल्यू 1 हुई तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। देखो कंपाइल रन करते हैं, कंपाइल रन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। कंपाइल रन हो गया, अब इसको सबमिट करेंगे, सबमिट में भी कुछ केसेस चल जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं क्यों दे रहा है TLE। हाँ, TLE दे रहा है। चलो बिट मास्किंग से करते हैं, बिट मास्किंग, ठीक है। यहाँ पर बिट मास्किंग क्यों कर रहे हैं, देखो यार सिंपल। अब देखो पहले मैं क्या करूंगा, कुछ नंबर्स को लिख लूंगा ताकि हम एक चीज को अच्छे से एनालाइज कर पाए। क्या, 1 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1, ठीक है, सिंपल, क्या है ना। 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0, ठीक है। 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 1। 4 को, ठीक है, 4 को कैसे लिखते हैं, 1 0 0। 5 को कैसे लिखते हैं, ठीक है, 5 को लिखते हैं 1 0 1, मतलब 4 + 1 क्या हो गया, 5। और 6 क्या होगा, 4 + 2, यानी कि ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 0, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, अब 8 को लिख लेते हैं, चलो यार कुछ नंबर, अब वही ले लेते हैं, 1 0 0। अब 16 कैसे लिखते हैं, 16 को ऐसे लिखते हैं 1 0 0, ठीक है। 4 उसमें होता है और 8 होगा 1 0 4 8, एक और, ठीक है। चलो यहाँ तक बहुत है हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो 2 से, 2 की पावर में कौन कौन से नंबर हैं, 2 की पावर में कौन कौन से नंबर हैं, 1 0, ठीक है। मतलब 2 होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। तो इन सभी में देखो यार एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट ऐसी है जो 1 है, और वो भी है राइट मोस्ट डिजिट, ठीक है। एक ही डिजिट ऐसी होगी जो जो 1 होगी, बाकी सब क्या होंगे, 0, और राइट मोस्ट डिजिट ही हमारी क्या होगी, 1 होगी। फिर क्या है, 4, इसमें भी क्या है, राइट मोस्ट डिजिट ही हमारी 1 होगी। फिर क्या है, 8, इसमें भी क्या है, राइट मोस्ट डिजिट ही, सॉरी लेफ्ट मोस्ट डिजिट ही मेरी क्या होगी, 1 होगी। बाकी सब क्या होंगी, 0 होंगी। और बाकी कोई भी अदर नंबर उठा लो, 1 उठा लो, 3 उठा लो, 1, 1 भी मेरा क्या है, 2 की पावर है, क्योंकि इसमें भी एक ही डिजिट है ऐसी जो 1 है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखो यार 2 की पावर 0 क्या होता है, 2 की पावर 0 1 होता है ना, तो 1 भी मेरा क्या है, 2 की पावर में है, 2 भी मेरा 2 की पावर में है, 4 भी मेरा 4 की पावर, बाकी कोई भी अदर नंबर दो, वो 3, इसमें क्या एक से ज्यादा 1 है, और जो है लेफ्ट मोस्ट डिजिट के अलावा भी 1 है, इसमें क्या एक से ज्यादा 1 है, ठीक है। 6 में क्या, इसमें भी क्या एक से ज्यादा 1 है। तो बस मुझे क्या देखना है, कि यही देखना है कि मैं यहाँ से, लेफ्ट से यहाँ से शुरू करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, शुरू करूंगा और देखूंगा अगर मेरा कहीं भी 1 आ गया, ठीक है, अगर मेरा कहीं भी पीछे से शुरू करूंगा, कहीं भी मेरा 1 आ गया तो मैं क्या कर दूंगा, उसको रिटर्न फॉल्स, नहीं तो लास्ट डिजिट देखूंगा, लास्ट डिजिट अगर वो है तो उसको रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स,
पॉज। बस सिंपल ये है कि हम मुझे क्या देखना है यहाँ पर, बस इस तरीके से चलाना है कि हाँ यार एक ही डिजिट होती है, बाकी सारी क्या होंगी, बाकी सारी जीरो होंगी। अब देखो यार इसमें एक तो बेस कंडीशन तो ये दे दो, अगर मेरा एन जीरो है तो यार ये तो मेरा टू की पावर में नहीं आता, ठीक है, ये मेरा टू की पावर में नहीं आता। और अगर मेरा एन जो है वन है, ये मेरा टू की पावर में आता है, मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, टू से शुरू करूंगा, अगर जीरो या वन है तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, बेस केस लिख दिया, ठीक है सिंपल। अब मुझे क्या करना है, जब तक वाइल मेरा एन जो है ग्रेटर देन टू है, जब तक मेरा एन की वैल्यू ग्रेटर देन टू है, जब तक मैं ले चलाऊंगा, क्योंकि एक बिट मुझे लास्ट के बचा के रखनी है चेक करने के लिए, मैं चेक करूंगा अगर मेरा वन एंड एन, मतलब जो एन की लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको मैं अगर वन से वो करता हूं, तो मतलब अगर दोनों वन हो गई तो मुझे क्या रिटर्न कर देना, फॉल्स, क्या रिटर्न कर देना है, फॉल्स, क्योंकि भाई एक ही डिजिट हो सकती है और वो भी होगी राइट मोस्ट डिजिट। अगर कहीं भी तुम्हें लेफ्ट में दोनों वन मिल गए, अगर एन की डिजिट और वन दोनों का एंड वन हो गया, तो रिटर्न फॉल्स कर दो भाई कि और कहीं डिजिट वो मेरी नहीं हो सकती, और फिर क्या कर दो, एन इक्वल्स टू एन ग्रेटर देन वन, यानी कि अब अगली जो वो थी बिट पे शिफ्ट हो जाओ। अब चेक करो अगर वन एंड एन है तो क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स, नहीं तो रिटर्न ट्रू, ठीक है, अगर हमारा सेकंड वो हमारी बन हुई उसका एंड दोनों का वो हो तो फॉल्स, नहीं तो रिटर्न ट्रू। अब इसको रन कंपाइल रन करके देखते हैं, कंपाइल रन हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा, हो जा जा, चल गया। चलो यार इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आज थोड़ा वीडियो इधर उधर हो सकता है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि अगर अच्छे से चीजें वो ना हो पाई हो, तो क्योंकि इतना सेटअप भी नहीं और अभी मुझे बहुत जल्दी है कहीं जाने की, तो चलो यार इसी के साथ मैंने